गाइस फाइनली राइडर लोग निकल चुके हैं और एक्सपल के साथ अपनी पहली राइड दर्शकों सॉरी आपको घर से निकलते हुए कुछ दिखा नहीं पाए, पर फाइनली अपने दोनों राइडर मिल चुके हैं और तीन एक्सपल्स राइड के लिए निकल चुकी है विरार से त्र्यंबकेश्वर नासिक। बढ़िया सनराइज अभी अपने को विरार फाटी पे ही मिल जाएगा गाइस। गाइस गूज़बम्प आ रहे, अंदर से आवाज आ रही है क्योंकि मोस्ट अवेटेड राइड है ये राइड। तीन बार इससे पहले कैंसल हो चुकी थी और फाइनली योगा योग जुड़ून आलेला है आणि आम्ही ऑन द वे आहे आपल्या राइडच्या। वन झिरो फाय नाईन वन किलोमीटर मीन्स ऑलमोस्ट 10590 था। 1 किलोमीटर तो घर से निकलते ही हो गया रहेगा, बाकी बढ़िया अपनी डेस्टिनेशन को एंजॉय करेंगे सफ़र को। भाई को स्कूल के लिए लेट हो रहा है इसके लिए भाई करते हुए जालिम करते हुए जा रहे। हे गाइज फाइनली रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून आज एक मोकळा दिवस ओपन स बाईकवर हेल्मेटच्या कॉकपिटमध्ये बसून जसं की एका प्लेनमध्येच सवार आहेत आणि मोकळ्या आकाशात भरारी घेत आहेत असं फिलिंग आहे। समोर मस्त असा सनराईज होताना आणि जोडीला फेलो रायडर्स अजून काय हवं असते का रायडरला आपल्या लाईफमध्ये आणि मस्त असं चौथ्या गिअरवर गाडी 70 स्पीडला एक जबरदस्त अशी जॅकेटच्या व्हेंटिलेशनमधून ज्या थंड थंड रुच वारा येत आहे तो एकदम मस्त वाटत आहे। फीलच बढ़िया है आणि आपली मैग्नेटिक पण मस्त परफेक्ट बसलेली आहे, काही हलत वगैरे नाही है। बढ़िया व्यू है, आई होप सो। ये बिफोर सनराइज वाला व्यू है, हा कैमेरा मध्ये परफेक्ट कैप्चर होत असेल। बाकी ओवरऑल एक्सपल्स कधीच कोणत्याच रायडरला डिसअपॉइंट करत नाही, तसं आपली पण राईड एकदम सुरळीत चालू आहे। थोडं हेल्मेटमध्ये लेफ्ट साईडचा कान ॲडजस्ट नव्हता, तो ग्लोव्ज काढलेला आहे तो ॲडजस्ट करण्यासाठी आणि आता परफेक्ट फिलिंग आहे, एकदम परफेक्ट अशी हॅपीनेस जो काय बोलतात ना तो हाच आहे रायडिंग करण्यातच आहे। वाव गाइस अभी तो ये शुरुआत है, ये बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मस्त अशी हायवेच्या सेंटरला फुलं त्यामधून राईड करताना आता पुढे जाऊन सैनिक असा रोड हायवे सोडल्यावर मनोर टू ऑलमोस्ट
आपल्याला लागेल तो शहापूर, शहापूर लागणार आहे का नाही माहीत नाही आहे आपल्याला, पण जव्हारपर्यंत तरी मस्त असा सीनिक रोड आहे, घाटगुट आहे छोटा मोठा, एकदम मेजर घाट नाही आहे, कॅमेरा ॲडजस्ट करताना परफेक्ट सगळं ॲडजस्ट झालेलं आहे आणि वी आर ऑन द गो टू विरार फाटा गाईज. आता पुढच्या स्टॉपला कॅमेरा स्टार्ट करू, थोडा हा नजारा विदाऊट एनी ऑब्स्टॅकल आपण एन्जॉय करूया. विरार फाटा सोडलेला आहे आणि आता एक सनराईज होताना कदाचित बघता येणार नाही आहे, कारण की सनराईज माझ्या मागे होईल या साईडला. लेट्स सी काय होते बाकी. तर मी थर्ड नंबरला आहे, बाकी दोन रायडर पुढे आहेत आणि राईड परफेक्ट चालू आहे. सनराईज झालेला आहे फायनली गाईज, मस्त असा सन आलेला आहे. सन ॲक्च्युली या टायमाला आपण मनोर रोडवर असायला हवं होतं. फायनली गाईज मनोहर जवाहर रूट पे लग चुके है और अपना एक्सप्रेस हाईवे छोड़ दिया है और अभी मस्त बढ़िया गांव-गांव से जवाहर पहुंचेंगे, वहां करेंगे तगड़ा ब्रेकफास्ट और फिर पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे जो कि अपना जाने वाले है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग. ये अपने लाइफ का फर्स्ट ज्योतिर्लिंग होने वाला है और अपना राइडिंग एक्सपर्ट्स के साथ जो अपन ने अपनी सेकेंड राइडिंग इनिंग शुरू कर दी है. पहले एनएससी के साथ अपन राइडिंग कर रहे थे रेगुलर, पर कुछ कारणवश वो कंप्लीट हो नहीं पाई, बट एक सेकेंड चांस अपन अपने यूट्यूब करियर को हमेशा देना चाहते थे और उसे देने का समय, वक्त, जज्बात अभी आ चुके हैं, हो चुके हैं. सो फर्स्ट राइड है, देखते हैं ग्रुप बन चुका है और कितने बंदे जुड़ते हैं अपने इस राइडिंग कम्युनिटी में. आणि आज जर बाहेर निघालो नसतो तर आयुष्यभर रिग्रेट राहिला असता. मस्त असा फील घेताना या थंडीचा. मुसाफिर धूप का था मैं, नहीं थी छाँव मिलो तक, मिले जो तुम तो मिल गई बारिशें. ना कोई आरज़ू है बाकी बाखुदा, मांगू और क्या मैं रब से, मांगू और क्या. गाइस बढ़िया ड्रोन शॉट एंजॉय किए ही रहेंगे, ऐसे आगे के सफर में और ड्रोन शॉट लिए जाने की पूरी कोशिश है. बाकी तो फिलहाल बढ़िया निकल पड़े हैं हम, अभी सीधा ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे. अभी फटाफट घाट कंप्लीट करते हैं और पहुंचते हैं जवाहर, फिर जवाहर से आगे अपना सफर शुरू हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर के लिए. और इस प्रकार विक्रमगढ़ में अपनी एंट्री हो चुकी है गाइस. विक्रमगढ़ में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, काफ़ी सारी शॉप्स एंड ऑल चुका है. विक्रमगढ़ में ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए तो काफ़ी लेट हो जाएगा, सुस्ती आ जाएगी. सो ऑलमोस्ट 70% पहुंचने के बाद ही ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे. घाट घुट लग चुका है गाइस, ऑलमोस्ट 20% घाट कंप्लीट कर लिया है. शाइश लीड कर रहा है, आई थिंक जी मिड में है, मैं एंड में हूँ. फाइनली शिवनेरी ढाबा में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी राइड में आगे बढ़ते हैं.
गाइस लाल परी, फर्स्ट लाल परी है अपने इस राइड की है। गाइस बारिश के मौसम में ये सब विंडोज वॉलपेपर हो जाते हैं ग्रीन ग्रीन लेविश, बाकी बढ़िया निकल पड़े। अभी लंबा सफ़र है, अभी 78 किलोमीटर्स और जाना है और एक्सपल्स पे एकदम रिलैक्स लग रहा है। कुछ भी जालिम ऑफ रोड करते हुए विनीत जी ने ले लिया है तगड़ा शॉर्टकट। और फाइव डोर थार सपना गया, सपना गाइस, सपना अपने आगे से गुजरा है। और एक सीनिक ब्रिज और उस पे है जानवर, संभालते हुए राइड कर रहे हैं विनीत जी और उनके दोस्त। वाइल्ड कैंप रिसोर्ट आ गए पर हम वहाँ नहीं जा रहे, हमारा लक्ष्य आज कुछ और है। आज अगर नहीं आता इस राइड पे तो रिग्रेट रहता, मुझे लाइफ का रिग्रेट। आज जो इस टू व्हीलर पे जो फ्रीडम महसूस हो रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है। हेलो, 4 साल पहले से मैंने बाइक राइड शुरू की थी और 3-4 बार आ चुका हूँ जवार, पर पहली बार इस तंबक रोड पे मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली पर वैतरणा डैम तक गया था मैं, पर वो दूसरे रास्ते से गया था। आते समय वापस हम उस रूट से आने वाले हैं, अभी ये अलग रूट है। और मस्त ऐसा पहाड़ों के बीच से होते हुए गुजरते हुए जा रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा ही मज़ा है। घाटी घाटे गाइस जेसीबी की खुदाई चल रही है। वापस घाट चढ़ रहे गाइस, वापस एक और घाट।
अच्छा हुआ तगड़ा नाश्ता नहीं पहला था, नहीं तो अभी तक नींद आ जाता गाइस। और काऊ रास्ते में, मैं ही हूँ रखवाला। नींद चुराई मेरी तुमने ओ सनम, तुमने ओ नींद चुराई मेरी तुमने ओ सनम तुमने। लगभग 6 या 8 किलोमीटर है त्र्यंबकेश्वर, और ये जबरदस्त से पहाड़ और ये पहाड़। घाट घुट से गाइस क्या नजारा है, आंखों को बिलीव नहीं हो रहा है कि हम ये नजारा आज एक्सपीरियंस कर पा रहे गाइस। बेस्ट डिसीजन था हमारा ये राइड का, यहाँ ये लोकेशन पे आने का। शिरडी जाने के लिए वो रास्ता है गाइस, फाइनली त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाजवळ, त्र्यंबकेश्वर मंदिराजवळ पोहोचलेले आहेत ऑलमोस्ट। आणि जबरदस्त असे माउंटन एरियाने हे ज्योतिर्लिंग सामावलेलं आहे। काही वेगळ्या प्रकारचे कन्स्ट्रक्शन इकडे झालेले आहेत, होमस्टेज अँड हॉटेल्स सारखे। पुढे नवनाथ घाट आहे, नवनाथ घाटात तर जावंच लागणार आहे गाईज।